फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे एक स्विच बोर्ड को कैसे फिट किया जाता है, यानी कि एक सॉकेट, एक स्विच और एक इंडिकेटर लगा हुआ है एक स्विच बोर्ड के अंदर, उसको कैसे फिटिंग किया जाता है और उसकी कैसे कनेक्शन किए जाते हैं। तो हमने यहाँ पे इस सीट के अंदर, चार मॉड्यूल की सीट के अंदर इसको फिट कर लिया है। आप देख सकते हैं पीछे से सॉकेट है, ये एक स्विच है और एक ये इंडिकेटर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर क्या क्या वायर आई हुई है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो व्हाइट कलर की वायर है इसके अंदर इन्वर्टर की वायरिंग है, यानी कि इन्वर्टर वाला फेज है। और जो ये ग्रीन कलर की वायर है फ्रेंड्स, ये अर्थिंग की वायर है। ठीक है, ये अर्थिंग की वायर होगी। और जो ये 2.5 square mm की केबल है ब्लैक कलर की, ये न्यूट्रल वायर है फ्रेंड्स, यहां पे न्यूट्रल आया हुआ है। और जो ये रेड कलर की ये वाली वायर है, रेड कलर की 2.5 square mm की, इसके अंदर मेन सप्लाई का फेज आया हुआ है। लेकिन हमारे इसको इसके अंदर सिर्फ एक फेज और न्यूट्रल और अर्थिंग की ही जरूरत है। तो अभी हमें यह चूज करना है कि हमें इन्वर्टर से फेज लेना है या फिर मेन सप्लाई से, तो उसको हम एक बार बाद में छोड़ देते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो अर्थिंग का वायर है फ्रेंड्स, अर्थिंग का वायर है, इसको जोड़ते हैं। तो अर्थिंग का वायर हमें सबसे पहले कहां पे जोड़ना है, तो आप ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, सॉकेट है, सॉकेट के ऊपर का जो टर्मिनल है फ्रेंड्स, ये वाला टर्मिनल है, यहां पर हम अर्थिंग का वायर जोड़ देंगे। तो यहां पर हम जोड़ देते हैं अर्थिंग का वायर और इसको अच्छे से टाइट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पे ये अर्थिंग का वायर जुड़ गया है। अभी क्या करना है, हमारा जो न्यूट्रल वायर फ्रेंड्स, ये न्यूट्रल वायर है, न्यूट्रल वायर की जरूरत पड़ेगी, तो इसको हम खोल लेंगे। फ्रेंड्स, इसको कनेक्शन करने से पहले क्या है, पीछे से लाइन को कट कर देना चाहिए हमेशा। ठीक है, तो हमने यहां पर यह न्यूट्रल वायर ओपन कर लिया है, यहां पर इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर लेते हैं ताकि ये अच्छा टर्मिनल ब्लॉक के अंदर फिट हो सके। ठीक है, तो ये न्यूट्रल वायर इस तरह से हो जाएगा। और फ्रेंड्स, न्यूट्रल वायर के साथ हम एक इंडिकेटर का जो वायर है इसको भी हम एक साथ में ही ले लेंगे, क्योंकि इंडिकेटर के अंदर फेज और न्यूट्रल दोनों साथ में ही आते हैं। तो हम यहां पर एक इंडिकेटर का वायर इसके साथ में ही डाल देंगे और सॉकेट के जिस साइड एन लिखा होता फ्रेंड्स, एन लिखा होता है, उसी साइड हम न्यूट्रल वायर डालते हैं। ठीक है, तो हम इसको भी डाल के अच्छे से टाइट कर लेंगे इसके अंदर। तो इन दोनों को हम एक साथ ही कर लेते हैं पहले। तो हमने ये न्यूट्रल वायर यहां पे जोड़ लिया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी जो हमारा फेज है, हमें फेज चूज करना है। फेज चूज करने से पहले फ्रेंड्स क्या करेंगे, हम एक वायर लेंगे इस तरह से। ठीक है, और वो स्विच के ऊपर के टर्मिनल पे जोड़ेंगे, स्विच है ये, यहां पे इसके ऊपर वाले पॉइंट पे जोड़ देंगे इसको। तो ये हमने यहां पे जोड़ दिया है। और जो इसका वायर का दूसरा एंड है फ्रेंड्स, इसको हम क्या करेंगे, सॉकेट के ये एल वाले पॉइंट पे, जहां पे एल लिखा होता है फ्रेंड्स, यहां पे एल लिखा हुआ है। ठीक है, इस वाले पॉइंट पे इसको जोड़ देंगे। ठीक है, अभी हमें क्या करना है फ्रेंड्स, जो हमें इन्वर्टर से सप्लाई लेनी है तो इन्वर्टर का वायर खोल लेंगे, अगर मेन सप्लाई से मेन सप्लाई लेनी है तो हम मेन्स वाला ओपन कर लेंगे। लेकिन मेरे को अभी इन्वर्टर की वायर की जरूरत है, यहां पे इन्वर्टर से कनेक्शन करना है इसके अंदर। तो हम इन्वर्टर वाला ये खोल लिया है हमने, और इसको हम क्या करेंगे, जो स्विच का नीचे वाला पॉइंट है फ्रेंड्स, उसको यहां पे इसके साथ जोड़ देंगे इस तरह से। और इसी के साथ हम क्या करेंगे, जो हमारा ये इंडिकेटर है, इंडिकेटर का वायर भी इसके साथ ही जोड़ देंगे और फिर इसको कर देंगे अच्छे से टाइट। टाइट करने के बाद फ्रेंड्स क्या करना है, हमें दो स्क्रू लेने, इसको बाकी जो वायर है हमारी इनको अंदर इस तरह से सेट कर देना ताकि ये डिस्टरबेंस ना करे। उसके बाद हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहां पे आप देख सकते हैं सप्लाई आ गई है हमारी, ऑन हो गई है। उसके बाद हम स्क्रू लेंगे इस तरह से और इसके अंदर यहां पे फिट कर देंगे कुछ। ठीक है, और अच्छे से टाइट कर देंगे। तो चलिए हम टाइट करके आपको दिखा देते हैं। तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं हम यहां पे कुछ भी लगा के इसको यूज कर सकते हैं, हमारा ये बनके रेडी हो गया है। तो हमारे पास एक ये टेस्ट लैंप बना हुआ है, यहां पे इसको हम लगा के ऑन करके इसको देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप आसानी से एक स्विच बोर्ड फिट कर सकते हैं, एक सॉकेट, एक स्विच और एक इंडिकेटर की वायरिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, देखते रहिए सीखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।